नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। आज दिल्ली सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जो लड़ाई अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले काफी दिनों से लड़ रही थी, उसमें आज उन्हें जीत नसीब हुई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी विवाद पर एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने माना है कि नौकरशाहों पर नियंत्रण सिर्फ दिल्ली सरकार का ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड संबंधित शक्तियां केंद्र के पास ही रहेंगे, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं और आईएएस अधिकारियों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार की ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है कि एलजी कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली सरकार की सलाह जरूर लेगी। आपको बताते चले कि पिछले काफी दिनों से ये सवाल गरमाया हुआ था कि दिल्ली की असल कमान किसके पास होगी। इस पर आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र सरकार के बीच मामला उलझा हुआ था। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो केंद्र से ये पूछा गया कि जब सारी सेवाएं आपके पास हैं तो दिल्ली में चुनी हुई सरकार की आखिर जरूरत क्या है। कोर्ट ने इस वक्त दलील दी थी कि मान लीजिए कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है या अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है, इस केस में क्या दिल्ली सरकार उस अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर सकती। कोर्ट के सवाल का केंद्र सरकार जवाब नहीं दे पाई, लेकिन फिर भी मामले को आगे बढ़ा दिया गया और तभी से ये सवाल बना हुआ था कि अधिकारियों पर नियंत्रण किसके पास होगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दे ही दिया। खैर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बात तो साफ हो चुकी है और वो यह है कि दिल्ली के असली किंग दिल्ली के मुख्यमंत्री ही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ही क्यों ना हो। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि उपराज्यपाल को बार बार दिल्ली सरकार के फैसले में टांग अड़ाने का अधिकार नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार अब अपने तरीके से अधिकारियों पर खुद की मर्जी थोपेंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में सरकार अब खूब पैसा कमाएगी और एक बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होगा। इसके अलावा एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल के पास बहाना मारने के लिए कुछ भी नहीं होगा। खैर, अभी के लिए इतना ही। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया।